हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इसका टॉपिक है हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और पहला तरीका फ्रेंड्स, इसको आपका फ़ोन तब हैंग होता है जब आपका फुल स्टोरेज होता है। तो पहला तरीका यही है कि आप फुल स्टोरेज को हाफ करें एंड जैसे कि फालतू फोटो हो गई, वीडियो हो गई, उन सबको खाली करें एंड इसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दूसरा तरीका ये कि आप सेटिंग को ही ओपन करेंगे और इसके बाद आपको यहीं पे दिखेगा एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले ये अगर आपको लगता है ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर क्लिक करें ऐप मैनेजमेंट पर। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है ऐप लिस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहीं पर दिखेगा ये वाला ऑप्शन और यहाँ देखेंगे सभी ऐप है जो जिस ऐप में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। और जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फेसबुक, एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है स्टोरेज यूजेस, आप इस पर क्लिक करें एंड इसके बाद आपको क्लियर डाटा कर देना है इसे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और मतलब क्लियर स्टोरेज, जैसे हाउ टू फिक्स फेसबुक प्रॉब्लम एंड कीबोर्ड प्रॉब्लम, तो वो अभी जितने प्रॉब्लम है यहाँ से सॉल्व हो जाता है। एंड क्लियर स्टोरेज करने से जो छोटा मोटा जो हैंग होता है वो उससे सॉल्व हो जाता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ से बैक करेंगे और आपका दूसरा तीसरा तरीका ये है कि एडिशनल सेटिंग को ओपन करेंगे और इसके बाद आपको यहीं पे दिखेगा ये इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा बैकअप रीसेट, आप इस पर क्लिक करें। और इसके बाद आपको यहीं पर दिखेगा रीसेट ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, आप इसको उस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको रीसेट ऑल डाटा कर देना है, मतलब उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी स्क्रीन लॉक है उस पर क्लिक कर देंगे एंड इस पर क्लिक करते आपको क्लियर डाटा हो जाएगा। पर क्लियर डाटा करने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके में गूगल अकाउंट है आपका खुद का एंड मतलब कि इसमें योर गूगल अकाउंट और डाउनलोड ऐप्स म्यूजिक पिक्चर्स, जैसे कि डाउनलोड ऐप्स वो हो गई रेडमी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी आपके फ़ोन से हट जाएंगे। और इस पर मैं नहीं कर रही, कैंसिल कर रही हूँ एंड मैं इसलिए रीसेट नहीं करूँ फ्रेंड्स क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम सही है। जब मैं रीसेट करूँगी तो इसमें अकाउंट हट जाएगा और इसके बाद आपका जो जितने भी फ़ोटो होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो वो सभी आपके फ़ोन से हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं ना हटे तो उसके लिए आप ना करें। और इसके बाद आप अगर आपको लगता है मतलब कि आपको रीसेट करना ज़रूरी है तो आप इसे दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करें और इसके बाद आपको और फ्रेंड्स उसको रीसेट इसी प्रकार से करते मदद कर सकते हैं। बस सभी चीज़ को आप दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करें और उसको इसके बाद आप इसे रीसेट कर सकते हैं। और जब आपका रीसेट हो जाए तो कैसे ओपन कर सकते हैं वो बता रहा कि मैं कि दूसरे वीडियो में एंड इसको उसमें जाके आप देख सकेंगे। और इसके बाद आप यहाँ से पैक करेंगे। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एक ऐप भी होता है जो हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके ही होते हैं उसमें एंड उसे और उस ऐप का नाम आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।